आपके कितने टाइम से लग रही है घर में? ये मैम लगभग 3 साल हो गए। अच्छा, तो आपके जो सारे फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे आपस में, सबको कंफ्यूजन रहता होगा, सब बिल्कुल आपस में सही, क्लियर बातें नहीं करते, सही है। और आप सारे फैमिली मेंबर्स भी अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बिल्कुल सही है। और इसमें जैसे पर आप लोग सारे मेंबर्स भी अपनी लाइफ में सब प्रीमियम लाइफ चाहते हैं, हर चीज आपको अच्छी क्वालिटी, अच्छी सब चीजें अच्छी चाहिए लाइफ में। जी और सब अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, सेल्फ मेड होना चाहते हैं। जी कोई बात नहीं पूजा जी, गलत होगा तो मैं बैठा हूँ। सर अब बाकी आप बताइए। और चलिए ठीक है। नित्या जी बोलिए, फिर ममता जी आप बोलिएगा। सर आप सबको ना, सभी फैमिली मेंबर्स को हर एक का मींस आप सेटिस्फाई करना चाहते हो जी अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। आपको अपने पेरेंट्स, हाँ, वाइफ, चिल्ड्रन का, चिल्ड्रन को पेरेंट्स का, और चलिए क्या हो जाता है, समटाइम्स कंफ्यूजन भी हो जाता है क्योंकि हम सबको सब फैमिली मेंबर्स से सेटिस्फाई करना है, टाइम तो कम रहता है या फिर ऐसे कम टाइम में, बट किसी को डिसहार्टन नहीं करना है। सही। हार्डवर्क तो है, एजुकेशन रिलेटेड सब लोग एजुकेशन रिलेटेड इंक्लिनेशन इंक्लाइंड हो के जी ऐसा दिखाई दे रहा है, ऑल गिव प्रेफरेंस टू एजुकेशन। बिल्कुल सही है। और ये भी दिखाई देता है कि आप लोग इमोशनल भी हो हर एक दूसरे को लेके, फैमिली मेंबर्स को लेके। सही है जी। ओके, और आप रिस्क थोड़ा सा कम लेना पसंद करते हो, बिल्कुल सही इजीली हो जाए ऐसे, और स्ट्रेस भी थोड़ा सा कम लेना ही पसंद करते हो, जी। एंड आप सब छोटे मोटे जो खुशियां रहती है ना डे टू डे लाइफ में जो आते हैं, आप लोग सब मिलके एंजॉय करते हो। वो छोटा सा कुछ केक कटिंग हो या फिर वड़ा पाव खाने का हो, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, छोटे छोटे घर का आप इकट्ठा बैठते जी हैं, टू जी पीपल जी ट्राई जी टू सेलिब्रेट इट। जी मेरा पॉइंट तो बोले सर और कोई कही है। ठीक है ठीक है, करना और कोई चाहो? करेगा? हाँ ममता जी बोलिए, आप मैं करना बोलिए चाहूंगी। जी। पेरेंट्स, ओके, हेलो। सविता जी, आपने भी हैंड हाँ रेज किया, तो अनम्यूट का परमिशन दिया है मैंने आपको। जी बोलिए मैं बात करूं, बोलिए मैं बोलूं? बोलिए बोलिए आप। हाँ तो आपके लाइफ में अभी स्ट्रगल्स है, मतलब कोई भी चीज आप करना चाह रहे हो, यू नो इजीली नहीं होता, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है आपके लाइफ में, क्या ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल हाँ, सही और बिल्कुल आपके फैमिली में किसी का तो यू नो पेट बाहर निकला है, क्या रिलेट कर पा रहे हो? हाँ सही है, क्या बात हाँ है। और आप लग्जरी चाहते हो पर जैसा आपको चाहिए वैसा नहीं मिल पा रहा है, मतलब बिल्कुल जो यू नो लाइफ में जैसा भरभराहट चाहिए या यू नो वो एक अलग प्रीमियम टाइप का लाइफ है वो मिल नहीं पा रहा। आप ट्राई कर रहे हो स्ट्रगल करने के लिए, मतलब आप स्ट्रगल कर रहे हो पर वो वैसा नहीं मिल पा रहा है जो आप चाहते हो, सही कह रहे हैं आप, आप बिल्कुल सही। जितना चाहते हो उससे थोड़ा सा कम मिल रहा है, मतलब आपको। थोड़ा क्या, बहुत कम मिल रहा है। जी हाँ तो वही दिखा रहा है आपका वॉच, तो ये मतलब उतना अच्छा नहीं है वॉच। जी जी चलिए ठीक है, और कोई करेगा एनालिसिस? हाँ जी सर, सर सर आपके मैं किसी कभी को स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है सर, बैक पेन? हाँ थोड़ा थोड़ा है हाँ बैक पेन होगा और बहुत अप एंड डाउन है आपके लाइफ में पहले से, जब से ये घड़ी आई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत है हाँ आप चाहते हो कि अच्छे रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाए, अच्छी जगह जी। जाए, लेकिन बहुत बार आप फिर वो आप वापस वो हो जाते हो, हाँ सही, बहुत प्लानिंग वगैरह करते हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं और सब लोग अपने आप को बनाने, मतलब कुछ ना कुछ वो है, ड्रीम्स है कि हम बनना चाहेंगे, सेल्फ मेड बनने के लिए सबको एक है अंदर से बनना है, जी लेकिन जी स्ट्रगल बहुत आ रहा है आपके लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है सर, थैंक यू। सही है सर, बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही। और कोई बोलना चाहेगा इसमें? मैं बोलूं?
हाँ बिल्कुल। कितने समय से सर ये घड़ी आपके पास? ये मैम लगभग 3 साल हो गए। अच्छा, हाँ वही आपकी लाइफ में हार्ड वर्क है, सब कंफ्यूजन रहता है और प्रीमियम लाइफ जीना चाहते हैं, एम आई राइट? यस यस। अच्छा, और एक आपका वर्क प्लेस में कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब मैम वर्क समझा नहीं। प्लेस इनके कहने का मतलब मतलब जहाँ आप यही, काम करते हैं? एक मिनट रीना जी, आप जॉब करते हैं या फिर आपका बिजनेस है? नहीं गुरु जी, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, और आपसे मैंने वो भी मंगाया था, आपने रिस्ट वॉच भी सजेस्ट कराया, आपने कराया हुआ था, और मतलब मिल नहीं पा रही सफलता जैसा मैं चाह रहा हूँ, मिल वो नहीं। सफल नहीं हो पा रहा। एक्चुअल में ये घड़ी निकाल के फेंक दो, इसको जी निकाल जी के हटाओगे, उसके बाद जो आपने थेरेपी वॉच लिया उससे रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। इन्होंने जो एक पॉइंट पकड़ा, सारे स्टूडेंट ध्यान से देना समझना, इन्होंने पूछा वर्क प्लेस में प्रॉब्लम। वर्क प्लेस में प्रॉब्लम कहाँ से दिख रही, सब लोगों को पता चल गया होगा। जी ये जी सर, जो भी काम कर रहे होंगे उस कार्य में राहु का प्रभाव आ जा रहा होगा, ठीक है? ये जो भी काम करते होंगे ना, सभी लोग देख लिए वर्क प्लेस वाला प्रॉब्लम, आपके साथ में क्या हो रहा होगा, जो भी काम करते होगे ना आप, उस काम में जी लास्ट मोमेंट में वो काम फेलियर होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं एफर्ट गुरु। आप लगा रहे हो, आपको लगता होगा सामने वाले बंदे ने कह दिया कि ठीक है भाई आजा बयाना लेके जा, या हम जी इस जी फाइनल करते, और जैसे जी ही आप निकले रात में डन हुआ, सुबेरे फोन आ रहे यार अभी क्या बताऊं, वो बाद में देखते हैं, बिल्कुल सही गुरु जी, ठीक है इसको हटा दो, ये वॉल क्लॉक बिल्कुल हटा दो, ये आपकी फैमिली में अबंडेंस को खा जाएगी, ये आपकी फैमिली में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट करेगी, और मैं ये बोल सकता हूँ कि ये आपको मतलब कुल मिला के ये है कि मेहनत ज्यादा होगी, रिजल्ट कम मिलेगा, और एक चीज क्या होगी मालूम है, आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे जी के सारे एक्शन टेकर होंगे, तुरंत तुरंत हाँ काम करना, सबको जल्दी बिल्कुल चाहिए, ये हो जाए ये हो जाए, आप खुद, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, सारे के सारे लोग। सही ये गुरु जी, पॉइंट कोई नहीं पकड़ा था, मैं बताऊंगा आज की जी क्लास में, आगे की क्लास में बताऊंगा ये पॉइंट कहाँ से आया, जी ये मैच करा या नहीं करा। सारे के सारे फैमिली मेंबर जो हैं वो एकदम एक्शन, मतलब सबके पैर में चक्के लगे हैं ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरु जी। है ना? तो हटा दो, तो स्थिर कोई नहीं है, स्थिरता जी किसी के पास नहीं है, तो इसको बिल्कुल आपको सही हटा देने में ही समझदारी है, ठीक है? जी, चलिए, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत गुरु बहुत जी। शुक्रिया घनश्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक वॉच और ले लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत और आगे का वो करेंगे। इस वॉच को पहले सभी लोग ध्यान से देखना, जो भी एनालिसिस करना चाहते हैं, उसके बाद हैंड रेस करना, ठीक है? ये किसकी है? शशि जी आपकी है, ठीक है? और पॉइंट पॉइंट नमस्कार पे सर, जी नमस्ते। थोड़ा थोड़ा जूम करो गुरु जी, हाँ बोलिए, थोड़ी मैं बोलू जूम सर? करो। ममता नित्या जी को बोलने दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम ममता जी बोलिए, फिर नित्या जी को बोलने दीजिएगा, ठीक है? कितने समय से लगाई है घड़ी आप लोगों ने? 1.5 से पौने 2 साल हो गए हमें लगाए हुए। ममता जी आपकी आवाज दूर से आ रही है, थोड़ा माइक को पास ले आओ। जी 1.5 से पौने 2 साल हो गए जी। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आपकी आवाज जी जी क्लियर ठीक है। है है सर। सर, जितने भी लोग हैं सब अपनी अपनी लाइफ में मशगूल है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल खाना भी खाते हैं तो सब अपने अपने हिसाब से एक साथ बैठ के खाना भी नहीं खाते हैं। क्या ये पॉइंट सही है? नहीं मैम, खाना हम तीनों टाइम एक साथ बैठ के खाते हैं कभी। सब अपनी अपनी दुनिया में मशगूल है। नहीं ऐसा नहीं है। चलो नेक्स्ट जी पॉइंट में आ जाओ ममता गुरु जी, जी, नेक्स्ट में आ जाओ, वो वाला पॉइंट नहीं मैच किया तो नेक्स्ट में आ जाइए। हाँ छोटी छोटी जो खुशियां होती है ना आप एंजॉय नहीं कर पाते हो। ये कह सकते हैं, मतलब कोशिश करते हार्ड हैं बट ऐसा हो नहीं पाता। हाँ वर्क, हार्ड वर्क करते हो, हार्ड वर्क तो है, हार्ड वर्क बहुत है। पैसा आता है लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप से खर्च हो जाता है, सेविंग खर्च हो जाती है।
हाँ जी, हेलो, कह सकते हो क्या हो, क्या हो? मेडिसिन पे ज्यादा जाता है पैसा। हेल्थ इश्यू दिख रहा है। हाँ, हाँ लग्जरियस वो तो उस लोकेशन पे नहीं, तो है रिश्ता खत्म। एक मिनट भाई, भी आप मिस कर रहे हो। आप ना तो विदेश में रहते हो ना मैं रहता हूँ, और सर मेरे आवाज आ रही है भी किसी और की। किसी के, हाँ किसी के बैकग्राउंड से आवाज अपने आ रही है। आदमी की मदद करो, तो मैं जिंदा हूं ना, बीमारा थोड़ी हूं मैं। अरे आप चलो, पता नहीं किसका अनम्यूट हो गया था, वो बात आप कर रहे। ठीक है जी लग्जरियस को सर, मिस कर रहे हो। जो जी लग्जरियस बिल्कुल, वो लाइफ अभी नहीं मिल रही है। हाँ, बहुत ज्यादा कमी है। अभी किसी ठीक को है राइट, 2-4 पॉइंट सब लेंगे। सर मैं बोलूं? हाँ कशिश, चलिए ठीक है बोलिए। आपका हार्ड वर्क रहेगा। ये जो बैकग्राउंड में है पूरा, वो मरून कलर है ना, डार्क मरून कलर है। डार्क ब्राउन सा कलर है, ब्लैकिश हार्ड, ब्राउन, ब्लैकिश हाँ ब्राउन है। हाँ वो हार्ड हार्ड वर्क बताता है। डाउन डोंट से टू अर्थ जाते हैं। अर्थ, हाँ डाउन टू अर्थ की बातें करने वाले हैं। जी शशि जी, आपके यहाँ कुछ बोन प्रॉब्लम है किसी को, फैमिली मेंबर्स में? नी पेन, बैक पेन, ऐसे स्पाइनल इश्यूज कुछ? जी, मुझे थायराइड हुआ था अभी पीछे, और मेरे जॉइंट में भी पेन रहता है। जॉइंट पेन भी दिखाई देता है। और जो भी आप फैमिली मेंबर्स अपने अपने फील्ड में जो भी कमिट करते हो, उतना नहीं दे पाते, डिलीवरी उतना नहीं रहता। आप जो बोलते हो, सोचते हो, इतना इतना मैं करके दिखाऊंगा, करूंगी, बट जब रिजल्ट देना रहता है तो उसमें हाँ नहीं हो पाता, नहीं कोशिश होता। करते हैं बट हो नहीं पाता जी। राइट। टच टच और लवर और नेचर नेचर मतलब लवर आप, भी है। हाँ जी अरे एक को बोलने दीजिए, फिर सेकंड को बोलने का मौका दूंगा ना। जी कंटिन्यू करिए नित्या जी। और आप इमोशनल भी हो फैमिली मेंबर्स? जी बिल्कुल, मूड स्विंग से इमोशनल, सॉफ्ट हो, सॉफ्ट स्पोकन, लेकिन अपने अपने फील्ड में हार्ड वर्क भी डाल रहे हो, वो रिजल्ट्स भले कम सक्सेस लेकिन, नहीं देता। हाँ लेकिन हार्ड वर्क तो दिखाई देता है। और आप लोग रिजर्व हो, थोड़ा सा रिजर्व, यू डोंट अलाउ, मीन्स दूसरे लोगों को आप अपने लाइफ में एंट्री करने के लिए थोड़ा सा इजीली अलाउ नहीं करते। अपना ही एक सर्कल है उस टाइप का, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ वगैरह। हाँ कह सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब सोशल ज्यादा नहीं है हम लोग। हाँ कम है, थोड़ा सा रिजर्व टाइप, मीन्स हाँ अपने वैसे सबसे अच्छे से मिलते हैं, बट थोड़ा सा वैसे सोशल कम है मतलब। एक चीज ये भी ऐसा है कि नहीं है आपके जिस, घर में जल्दी गेस्ट नहीं आते होंगे, या फिर आप अपने घर में ज्यादा गेस्ट को बुलाना पसंद नहीं करते हैं। हाँ जी सर कम आते हैं थोड़े। हाँ कम आते हैं, और आ भी जाते होंगे तो आप ये सोचते होंगे कि चलो आ तो गए, अच्छी बात है, अब धीरे से आधा घंटा बैठो, चाय पियो, नाश्ता करो और निकल लो, टाइम पास ज्यादा अरे मत करो, बिल्कुल बिल्कुल सर। राइट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। मुझे बोलना है। हेलो, फिर मैं मैं बोलूँ? बोलूँ? हाँ बोलिए, मैं बोलूँ? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, तो आपके जो पास्ट लाइफ में और प्रेजेंट लाइफ में बहुत अप एंड डाउन चल रहे हैं, और ये फ्यूचर में भी रहेगा, ओके हाँ क्या जी, ये रहे हैं सही, पिछले 4-5 साल क्या से। हाँ रिलेट कर पा थोड़ा, रहे हो आप इससे? बिल्कुल बिल्कुल, पिछले 4-5 साल से, 2019 से वैसे है कि अप डाउन ज्यादा हो गया है, हम शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन ये घड़ी तो हमने अभी लगाई है, 1.5-2 साल ही हुए हैं हमें। हाँ, वही तो बताए 1.5-2 साल भी बहुत रहते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे, हम लोग वही घड़ी मैनिफेस्ट करते हैं जो अपने को ये करना पड़ता है लाइफ में, जो कुछ मतलब, कह भी सकते हैं कि लाइफ ना मैनिफेस्टेशन स्टक है, मतलब मूवमेंट्स नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है, स्टक है लाइफ। भी। हाँ, इवन आपको बाहर के लोगों से उतना ज्यादा हेल्प, जैसा हेल्प चाहिए वैसा मिलता नहीं होगा आपको। राइट हाँ, तो वैसा नहीं मिलता होगा, और प्लस आपके घर में जो कोई भी है, लाइक आपके बच्चे हैं या कोई भी, जो कोई भी घर पे रहता हो, वो उनका कमरा बंद करके रहते होंगे, आपको इंटरफियर करने नहीं देते रहेंगे, या फिर आपके फॉर एग्जांपल बच्चे हैं तो वो उनके फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस नहीं करके देंगे होंगे, या ऐसा कुछ। नहीं, ये चीज नहीं है, अच्छा हम लोग ओके, बहुत तो आपस में, हाँ
ठीक से रहते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ओके सो या फिर रिजर्व हो सकते हैं बेसिकली हाँ थोड़ा अपने रिजर्व अपने जरूर है हम लोग। हाँ मैंने कहा ना, हम सोशल थोड़े से मतलब कम लोगों से ज्यादा वो करते हैं बातचीत, हाँ बट पर जिससे करते हैं अच्छे स्ट्रगल्स से तो दिख करते रहे हैं हैं। हाँ स्ट्रगल तो है, स्ट्रगल तो है, सक्सेस स्ट्रगल्स तो दिख रही है नहीं इस वॉच मिल में रहा, तो स्ट्रगल स्ट्रगल बहुत है। हाँ तो इस वॉच से तो यही पता चल रहा है कि स्ट्रगल तो रहने वाली है ये वॉच अगर आप कंटिन्यूअसली रखेंगे तो ओके बस ठीक है ये बता करने दीजिए दो ना सर कि इस वॉच को बिल्कुल हटा दीजिए ठीक है। जी सर, जी इस सर, वॉच को हटाने में ही समझदारी है और इस वॉच ओके में सर, दो तीन चीजें मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ। इस बिल्कुल वॉच सर, में क्या होगा इस वॉच जैसे उन्होंने कहा ना एक पास्ट लाइफ में प्रेजेंट लाइफ में और फ्यूचर में तो जितना जितना स्ट्रगल आपने पास्ट में देखा है प्रीवियस लाइफ में आपने जितना स्ट्रगल देखा है वो स्ट्रगल आपकी लाइफ में प्रेजेंट में भी आ जाएगा और जो पास्ट में रिपीट हुआ है वही आपके फ्यूचर में भी रिपीट हो जाएगा ठीक है। यहाँ पे एक प्रश्न आया कि ये घड़ी तो हमने 1.5 साल से यूज करी है तो होता क्या है घड़ी जो होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का मिरर होती है। हम अपनी लाइफ में ओके जिन सर, प्रॉब्लम्स को जी चुके होते हैं हम उसी हिसाब से ही उन चीजों को कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है चाहे तो ये घड़ी आपको गोल्डन कलर में भी पसंद आ सकती थी यस सिल्वर कलर में भी सर, पसंद आ सकती थी परंतु ब्राउन कलर ही क्यों पसंद आई क्योंकि ये आपको पसंद आई। ओके आप जब घड़ी देखने गए होंगे तो वहां पे आपको घड़ी वाले ने कम से कम 10 प्रकार की घड़ी दिखाई होगी जी उसमें सर, से आपको यही वाली अट्रैक्ट करी क्योंकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है इसलिए आपने ये अट्रैक्ट करी। और दूसरी चीज जिस घर में आप पहले रहते थे या अभी रहते हैं वहां जी पर सर, साउथ ईस्ट में यस टॉयलेट सर, या साउथ ईस्ट में पानी का जोर मुझे दिख रहा है। नहीं सर, नहीं टॉयलेट भी नहीं है और पानी भी नहीं है उस साइड, सीलन है थोड़ी बहुत बट पानी नहीं है, साउथ ईस्ट में आपके यहाँ क्या है कुछ नहीं है सर, एक छोटी सी टेबल लगा के रखी है, पहले मंदिर था बट अब मंदिर ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट किया है वहां ओके से हटा के, तो वहां जस्ट ऐसे छोटी सी ड्रॉर रखी हुई है अलमीरा टाइप, उसमें थोड़ा बहुत सामान रहता है। ठीक है ठीक है। तो वैसे तो मैं बोलना चाहूंगा ये ना लगाएं चलो एक और वो है वेस्ट की डायरेक्शन में मेन डोर या टॉयलेट है क्या नहीं सर, वेस्ट में भी नहीं है ठीक नहीं सर, है फिर ये वास्तु के हिसाब से ये आपके घर में अभी कनेक्ट नहीं हो पाई है। बट जिन्होंने जितने पॉइंट्स बताए हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स आप देख लीजिए इसको तो मैं यही कहूंगा कि आप हटा दो भले आप कितने की भी आपने इसको परचेस करिए इसको आप हटा दीजिए ये बहुत अच्छी नहीं है ठीक है ये ठीक है नुकसान सर। करेगी। सर इससे हेल्थ इश्यूज बड़े, सर एक मैं बोलूं थोड़ा, हाँ बोल दीजिए बोल दीजिए। पेट लवर है क्या आप लोग, हाँ मतलब जी पेट कोई पेट लवर लवर, है आप लोगों में से। हाँ जी हाँ हम जी लोग एनिमल्स को बहुत ज्यादा, मैं और मेरा बेटा बहुत ज्यादा करते हैं डॉग्स को बाहर, लेकिन मतलब घर में नहीं रखा हुआ हमने, बट हमारा बहुत अच्छा मन बहुत करता है कि एक पेट रखें हम अपने पास, हम हाँ जगह हाँ की वजह से नहीं रख पाते हैं जी, पेट लवर्स तो हैं हम जी जी, जी और हेल्थ का भी आपको प्रॉब्लम इशू है क्या कोई हेल्थ हेल्थ का। इश्यूज बहुत ज्यादा है। हाँ मैंने कहा ना, हमारी ज्यादातर पैसे दवाइयों पे जाते हैं। ये वॉच को बिल्कुल हाँ हटा दीजिए और तो इसमें से आपका 50% आप, हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके सर, और सर आपके गाइड घर में करिए आपकी कि क्या चलती है लगाएं। हाँ जी आपके घर में आपकी चलती है या आपकी मम्मी है मतलब हाँ, नहीं मदर मदर इन के लॉ घर में है, चलती। मदर इन लॉ है घर में, बट अच्छा हाँ अच्छा डिसीजन में कई मुझे आगे आना पड़ता है, चलती है या चलानी पड़ती है कह लो, कोई कुछ भी कह लो, आप डिसीजन जी हाँ लेने हाँ पड़ते हैं, मुझे लेने पड़ते हैं डिसीजन। थैंक अच्छा यू, बहुत बढ़िया ठीक है बस थैंक यू थैंक मनीष जी बोलिए क्या कह रहे थे। यू जी थैंक सर यू, मैं तो वो प्रेडिक्शन तो नहीं कर पाऊंगा ज्यादा क्योंकि मैंने बेसिक्स नहीं सीखे थे आपसे 7 क्लास के बाद मैंने ज्वाइन किया है सर आपको और चरण वंदन के आप सिखाते बहुत अच्छा हैं और आप एक अच्छे टीचर हैं। तो सर मैं मेरे घर में ना 3 वॉल क्लॉक थी एक तो मैंने आपकी यूट्यूब वीडियो देख के अपनी मेड को 10 रुपए में दे दी और दो सर मैंने आपको भेजी हुई हैं
एक बार सर हमारा प्रिडिक्शन कीजिए, वो रिक्वेस्ट है सर, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने आज आपके जो ग्रुप है उसमें दो अपनी वॉल क्लॉक भेजी हैं, तो मैं चाहता हूँ सर आप और आपके स्टूडेंट, क्योंकि मुझे तो बेसिक आता ही नहीं है, क्योंकि कोई मैंने दिक्कत सात नहीं क्लास है, के बाद। अभी अभी पेड क्लास में है ना मनीष जी अपन। लेकिन सर मेरा मन है कि आप एक बार स्टूडेंट से कराएं। अरे तो हम पेड क्लास में करेंगे ना, सर आज भी कराइए ना, स्टूडेंट्स बहुत सारे बैठे हैं, 400 स्टूडेंट बैठे हुए हैं आपके। नहीं ये 400 में से 4 ही कर पाएंगे, बाकी ये कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे ना पेड क्लासेस में कर देंगे, ठीक है हाँ सर बेफिक्र रहिए। वो तो जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, पेड वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, उन सबकी वॉचेस का एनालिसिस हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम वही करेंगे, उसकी ओके जो बेफिक्र थैंक रहिए, यू ठीक है मनीष जी। सर। कुछ अपने क्वेश्चंस हो रहे हैं वो पेड क्लास में ही पूछेंगे सर हाँ हाँ आपसे, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे ये भी पास ये कर। तो एक फ्री वेबिनार है, सर और एक रिक्वेस्ट और थी जी जी बिल्कुल सर, जो जैसे आप वीडियो जो सात क्लास मैंने ज्वाइन नहीं की, वो आपकी टीम ने मुझे वीडियो भेजी, थोड़ा तो सर मेरा मेमोरी लॉस का इशू है, थोड़ा मैं ख्यालों में खोया रहता हूँ। और दूसरा सर क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको बुरा ना लगे तो जब भी आप नेक्स्ट, क्लास के बारे में बता ही देता हूँ, जैसे चर्चा हो ही रही है। तो अभी हमारी क्लास जो है वो स्टार्ट होने वाली है जून26 जून को, ठीक है 26 जून को हमारी एक नई बैच स्टार्ट हो रही है रस्ट वॉच एनालिसिस की। इसकी जो रियल कॉस्ट जो है वो है 25,917 रुपए। काफी लोगों को लग रहा होगा कि ये हमारे बजट में अलाउ नहीं करता है, परंतु एक चीज मान के चलना, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको जिन्होंने मेरी पास क्लास ज्वाइन करी है ना, उनको भी ये लग रहा होगा कि ये हमारे बजट में अलाउ नहीं करता, परंतु वो अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो वो बोल सकते हैं हैंड रेस करके कि हमारा बजट अलाउ नहीं करता था, परंतु अब कैसे अलाउ कर रहा है वो उनको पता है, ठीक है पहली चीज। दूसरी चीज ये बोलना चाहूंगा कि अभी पिछली बार मैंने अच्छा डिस्काउंट दिया था, इस बार डिस्काउंट थोड़ा सा कम है। जो आज और कल, मतलब आज और कल में क्लास ज्वाइन करता है, मतलब आज है 19 और कल है 20, आज और कल में ज्वाइन करता है उसके लिए जो क्लास की फीस होगी वो होगी 19,600 रुपये, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैं 24 घंटे का समय दे रहा हूँ, 19,600 रुपये उसकी फीस होगी, और इसमें आपकी पूरी फैमिली का कंसल्टेंसी फ्री होगा, ठीक है। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अगर आज और कल में आपको ज्वाइन करना है तो। उसके बाद ठीक है, तब तक इन लोगों से पूछ लेते हैं कि जिनका ना बजट अलाउ नहीं कर रहा था वो अपने आप कैसे अलाउ कर गया। ममता जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हो आप? नमः शिवाय गुरु जी, मैं इटाली से हूँ। मैंने आपको देखा भी नहीं था, सिर्फ आपकी वीडियो सुनी थी और आपकी क्लास ज्वाइन की, लेकिन आप ना हर क्लास में बोलते हो, आप बोलते भी नहीं हो, लेकिन जब क्लास स्टार्ट होते हैं ना तो आप लोग हमें बताते हो कि आपके जीवन में जितनी आपकी इनकम है ना उसके पीछे एक जीरो लग जाएगा, लेकिन हर बार मैंने लोगों के सामने ही बताया कि गुरु जी मेरी इनकम में एक नहीं लेकिन बहुत जीरो लगा है। मैंने यहाँ बैठे बैठे सिर्फ आपकी वॉच ऑर्डर की, दूसरों के लिए विदेश में मैंने आपके पास से ऑर्डर की थी, और 15 लाख की मुझे मतलब बेनिफिट मिला ऑर्डर करने के बाद तुरंत ही। तो जी आपकी वॉच की, आपके सारे क्लास मैंने की है, मनी मैग्नेट का, रिस्ट वॉच का, स्वर विज्ञान का, भी वास्तु का भी चालू है गुरु जी, तो कोई क्लास में आपका छोड़ना नहीं चाहती हूँ। थोड़ी टाइम की आगे पीछे मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन आप, मैं सबको बोलती हूँ कि एक बार आप ऐसा सोचते हो ना कि इनके पास से थेरापी वॉच ले, इससे तो बेटर कि आपकी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज हो जाएगी। एक बार सिर्फ आप एक जगह पे आप खर्च ज्यादा मत करो, एक साल आप बर्थडे मत एंजॉय करो फैमिली का, लेकिन एक बार एक क्लास कर लो थेरापी वॉच का, आपकी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज हो जाएगी, वो मैं आपको दावे के साथ बोलती हूँ। नमः शिवाय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी। सुषमा जी कुछ बोलना चाह रहे हो आप? जी नमः सर, शिवाय सर जी जी, नमः शिवाय। हाँ जी सर, मैंने पहले भी कई बार बताया है, मैंने तो
खुद पैसे उधार लेके आपकी क्लास की थी, और उसके बाद मैं उससे कई गुना ज्यादा पैसे कमा भी चुकी हूँ। और बहुत अच्छा आप सिखाते हो, अपनी अपनी खुद की लाइफ चेंज नहीं होती, अपने पूरी फैमिली की लाइफ चेंज होती है, जिसको हम बताते हैं आगे चार लोगों की और चेंज होती है। पता नहीं किस किस का भला शायद आप लोगों के हाथों में लिखा हो। आप सीखो और अपना भी भला करो और दूसरों का भी भला करो। जितने पैसे आप सोच रहे हो कि ये इतने हैं, उससे कई गुना ज्यादा तो आप आराम से घर बैठे कमा लोगे। धन्यवाद सर बहुत जी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोमल कोमल जी बोलिए, स्वाति जी ओम बोलिए। नमः शिवाय, ओम नमः जी शिवाय गुरु बोलिए, जी। कोमल जी बोलिए, नमः शिवाय। मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि सर की जो फी है वो बहुत ही कम है। सर जो ज्ञान देते हैं वो बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल है। मतलब घर की घड़ी सिर्फ आपका सारा घर का वास्तु दोष दूर कर सकता है, प्लस आपकी कुंडली चेंज हो जाती है, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग पंडित के पीछे भागते रहते हैं, पूजा करवाते हैं कि हमारे घर में कुछ हो गया है, बट हमारी एक घड़ी हमारे पूरे घर का वास्तु चेंज कर देती है। और इतनी पॉजिटिविटी है इनके क्लास में कि हम लोग को इतना कुछ सीखने को मिल रहा है जो मेरे को नहीं लगता कि और किसी को क्लास में सीखने को मिलेगा। इसीलिए फी की तरफ ध्यान नहीं देते हुए इनकी क्लास जरूर अटेंड करिए, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप सिर्फ अपनी ही नहीं, आप अपने आप से जुड़े हुए बहुत जन की लाइफ चेंज कर पाएंगे। ये मैं 100% सर की क्लास करने के बाद मेरे को पता चल गया। मेरे को भी लगा था कि इनकी फी बहुत हाई है, मैंने भी बहुत मुश्किल से फी इनकी दी, बट मेरे को अब लग रहा कि मेरे पूरे पैसे वसूल हो गए। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या स्वाति मैं जी बोलूं? बोलिए। नमः शिवाय सर। नमः शिवाय। एक्चुअली बहुत साल, मतलब कुछ साल पहले जब यहाँ इंडिया में लॉन्च हुआ था ये वाला घड़ी का कोर्स, मैं किसी और प्लेटफॉर्म में थी, वहां पे ये लॉन्च हुआ था। मुझे लगा कि लगभग इससे ज्यादा था वहां पे, तो मुझे बहुत ज्यादा लगा था कि ये इस कोर्स का पैसा, ये सिर्फ घड़ी का तो एनालिसिस करवा रहे हैं, इतना ज्यादा पैसे क्यों। मुझे ऐसा लगा कि मैं लाइफ में कभी ये नहीं करूंगी। हाँ, जब सर का यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगी तो मैं बहुत कम लोगों से कनेक्ट होती हूँ। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गुरु जो भी मिलते हैं मैं उनसे बहुत कम कनेक्ट होती हूँ, लेकिन जितने लोगों को मैं ज्यादा कनेक्ट हुई हूँ उसे विकास सर एक है उसमें से। क्योंकि मैं इतना जल्दी डिसीजन नहीं ले पाती हूँ कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन मैंने सर का मनी मैग्नेट का एक वीडियो देखा था। मैं तुरंत सर को मैसेज किया कि सर मुझे कोर्स करना है। पता नहीं क्यों ऐसा लगा, क्या सिखाएंगे क्या नहीं, मनी मैग्नेट है ऐसे लगा था। लेकिन सर ने जो उसमें रस दिया है उस कोर्स में, तो उससे ही मैं बल्ले बल्ले हो गई। फिर उसके बाद मैं तभी सर के मनी मैग्नेट के कोर्स में थी, तभी मैंने सर का वो घड़ी मंगवाया। और घड़ी का तो रिजल्ट मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सर को भी बोल चुकी हूँ कि सर मैंने घड़ी पहना, उसके बाद से पूरा 360 डिग्री लाइफ मेरा चेंज हो गया। और मुझे ऐसे लगता था कि 25,000 इज टू मच इस कोर्स के लिए, लेकिन जब लास्ट डे मैंने सर को फोन करके पैसे भरे, और आज ऐसे देखा जाएगा मेरे क्लासेस मिस हुए हैं, मैं ट्रैवलिंग कर रही थी, फिर भी मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाई हूँ इन लोगों के। सारे ग्रुप मेंबर्स हमारे मस्त है, बहुत एकदम बहुत अच्छे डिस्कस करते हैं, मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाती हूँ क्योंकि मेरे क्लासेस मिस हुए, मुझे नोट्स बनाना है। लेकिन जो भी मैं विदाउट क्लास अटेंड की क्लास सर की सुन रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि सर सामने ही बैठे और अच्छे से, और किसी का भी क्वेश्चन को आंसर नहीं देते हैं ऐसे नहीं, बहुत पेशेंटली बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। और ऐसे लग ही नहीं रहा कि मैंने 25,000 इसको दे के कुछ वो किया है। मुझे ये बहुत कम लगता है सर का कोर्स। आप लोगों को तो बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, फटाफट 2 दिन का टाइम दिया है सर ने, आप जल्दी से पे करो, क्यों हम लोगों ने आपको उससे ज्यादा पे किया है। लेकिन वही कह रहा हूँ, बाकी अमेजिंग लोग क्लास है, अमेजिंग। जिन्होंने 25 पे किए हैं उनको लग रहा होगा अरे हम पे इस महीने कर हाँ लेते तो जी ज्यादा जी अच्छा है ना। बट अमेजिंग क्लास है, अमेजिंग। और आप थेरेपी वॉच के सेक्शन में आ जाओगे तो आपको ऐसे लगेगा हाँ कुछ तो है इसमें। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते जाती है डे बाय डे, इंटरेस्ट इतना बढ़ता है कि अभी क्या सिखाएंगे सर, अभी क्या बोलेंगे, अभी क्या बोलेंगे। जबरदस्त जबरदस्त क्लास है, सच में करना चाहिए। मुझे तो ऐसे लगता है कि ओवरऑल फैमिली के लिए एक सर सिर्फ वो वॉल क्लॉक आपको हॉल में कैसे लगाना है, बेडरूम में कैसे लगाना है, आप वर्क प्लेस पे कैसे लगाना है, उसमें ही आप लोगों का पूरा वो हो जाता है,
कनेक्शन, और जबरदस्त रिजल्ट देगा। क्योंकि मैं कोर्स करने से पहले ही सर से घड़ी मंगवा चुकी थी, घड़ी पहन के ही रखती हूँ, बट वो घड़ी ने तो रिजल्ट दिया ही है सर के पास से। क्योंकि मैंने वापस बहुत जगह सर्च किया, लेकिन सर जैसी घड़ी कहीं नहीं मिलेगी, वो तोड़ फोड़ करना पड़ेगा। इसलिए बहुत अच्छा कोर्स है, एक बार सीख लीजिए, फिर अपने आप घड़ी भी मंगवा लोगे। आपको लगेगा नहीं कि अरे घड़ी मंगवाए कैसे, सस्ता ले, नहीं, सर से घड़ी मंगवाने का आप अपने आप आपका रास्ता बन जाएगा। बहुत जबरदस्त क्लास है, आप करके देखिए, आपको खुद को मजा आएगा। थैंक यू सो मच सर, आपको थैंक बोलने यू का थैंक मौका यू, दिया मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अनीता जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, नमः शिवाय सर। नमः शिवाय। मैं सारे जो भी गेस्ट बैठे हैं अपने टीम में, उनको सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी ने ये कोर्स करना चाहिए। क्यों तो मैंने भी ये कोर्स किया, और 5-6 स्टेज के बाद ही प्रेडिक्शन चालू हो गया कि सबकी, घर की, वालों की, रिलेटिव्स की, फ्रेंड्स की वॉच मंगा मंगा के मैं प्रेडिक्ट कर रही, तो वो सब सही निकल रहा। फिर मैंने थेरेपी वॉच भी सर की ली, तो मेरा फैमिली, मतलब फाइनेंस तो अच्छा था, लेकिन उसके बाद मुझे मेरा एक्स्ट्रा इनकम आनी स्टार्ट हो गई सर। बहुत अच्छे से मुझे शेयर मार्केट में मेरा जो लॉस में चल रहा था, वो सब मेरा स्टॉक अच्छे गए। मेरा बच्चा बोलने लगा, मम्मी तुमको क्या लॉटरी लगी क्या, इतना पैसा खर्चा कर रही तुम। तो मेरा मतलब लाइफस्टाइल रियली, मतलब जो प्रीमियम चाहिए ना, वैसे स्टार्ट हो गई जब से वॉच पहनी तब से। और फैमिली रिलेशन में भी फर्क पड़ा सर, बच्चे थोड़ा आर्गुमेंट्स करते थे, तो सब अभी एक साथ एक दूसरे को समझ के रह रहे। तो बहुत अच्छी क्लास है, और सर की क्लास की फीस रियली कम है, बाकी और जगह आप देखेंगे तो फीस बहुत ज्यादा है। तो सभी ने ये कोर्स जरूर करना, यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक जी कुछ बोलना चाह रहे वॉच हैं? देखो ना सर हमारी, हाँ बस बस, इसके बाद वॉच ही करते हैं। जी आईपीएल। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हाँ जरूर, नमस्कार। मुझे, नमस्ते। मैं इन सबको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि फीस की परवाह ना करें, जो सरलता से, जो इजी वे से आपको समझ आएगा वो कहीं और से नहीं आएगा। और कोर्स के अंदर आपको किसी भी चीज की कोई भी शंका होगी तो सर बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, प्राइवेट में ये बात करते हैं, जो कि हर कोई नहीं करता है। तो इसी में आपके पैसे पूरे हो जाएंगे, बाकी बातें तो और लोग बोल रहे हैं, बोलते हैं सर में एक मैग्नेट है, पता नहीं, वो आप अगर एक बार चिपक जाओगे तो कभी नहीं छोड़ोगे, ये मैं जरूर कहता हूँ। कितनी भी फीस लें वो कम है, सो इस बात को देख के आप जल्दी से चिपक जाओ तो अच्छा रहेगा। ठीक है अशोक जी, आपने मेरे को मैग्नेट बना मेरा दिया। मेरा मेरा छोड़ने को दिल नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या बात है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ फिर भी आपसे बात कर रहा हूँ, इतना चिपक जाते हैं इनसे। तो चलिए, बहुत बहुत आप लोग शुक्रिया। भी संभल के रहिएगा और फटाफट चिपक जाओ। नमस्ते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते नमस्ते। रीना जी बोलिए। नमः शिवाय। सर मेरा भी यही है कि आपके साथ, मैंने भी पहले यही सोचा था, पता नहीं इतने में, हमने तो 25,917 में किया था, बट वर्थ निकला बिल्कुल। और जबकि घड़ियां, वॉल क्लॉक, रिस्ट वॉच सब आपसे ही मंगवाई, फिर भी क्लास लेने के बावजूद भी आपके यहाँ इतनी सुविधा मिलेगी, मतलब हमें कुछ करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और बहुत अच्छा रहा। मतलब तब से पूरे परिवार के लिए मंगवाई, और सारा जो क्लासेस ली वो भी वर्थ है। मतलब आप हर क्लास में कुछ कुछ नया सिखाते हैं, और फ्री क्लास में भी इवन इतना देते हैं कि मतलब कुछ हद ही नहीं है कहने की। बहुत अच्छा रहा, बस इतना ही कहूंगी। बहुत बढ़िया, थैंक बहुत बहुत यू शुक्रिया, सो मच बहुत सर। बहुत शुक्रिया रीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। विशाखा जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, क्या कहना चाह रहे हो आप? नमः शिवाय सर। नमः शिवाय। सर मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं एस्ट्रोटॉक पर काम करती हूँ, और आपकी क्लास लेने के बाद से मैं लोगों को वॉच सजेस्ट करने लगी हूँ जैसे आप बताते हो। तो मेरे पास में एक कैंसर पेशेंट आया, आपकी और आवाज थोड़ी सी जो, ना दूर से आ रही है, थोड़ा सा आप पास आ जाएंगे क्या? मोबाइल को पास कर लीजिए। हाँ जी सर, अब आ रही है? हाँ हाँ बोलिए। सर, मैं एस्ट्रोटॉक पर काम करती हूँ, और आपकी क्लास लेने के बाद में मैंने लोगों को सजेस्ट किया कि आपकी जो वॉच है
उस तरह से कि वॉच मतलब कैसे वेयर करनी है जैसे आपने बताया। और एक कैंसर पेशेंट आया मेरे पास में, अप्रोक्सीमेटली 90% कैंसर था उनको, और आपकी वॉच पहनने के बाद वो 70% ठीक हो गए। मतलब थेरेपी वॉच भी नहीं थी वो, जस्ट जो उनके पास वॉच थी वही वाली मैंने सजेस्ट की, कि जिस तरह से आपने बताया, जो थोड़ा बहुत हमें स्वर विज्ञान के बारे में जैसे कौन से उसमें पहननी चाहिए क्या है, तो मतलब मैंने थोड़ा सा उनको सजेस्ट किया, तो उनको कैंसर में 70% सिर्फ 1 वीक के अंदर, उनकी जो मेडिसिन जो काम नहीं कर रही थी डॉक्टर ने उनको लास्ट स्टेज बता दी थी, तो अब वो काम करना शुरू हो गई है। और भी काफी सारे ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जिनकी जॉब नहीं लग रही थी या कुछ भी, मतलब उन्होंने थेरेपी वॉच जबकि अभी नहीं ली है और वो बाहर के क्लाइंट है यूएसए वगैरह के, तो अभी और मैंने जस्ट उनको सिर्फ तरीका बताया और थोड़ी सी वॉच का एनालिसिस भी किया कि ये वाली वॉच सही है या नहीं है, तो उनको विद इन अ वीक मतलब कि काफी सारी ग्रोथ मिली है, जिसको जॉब नहीं मिली थी माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में उनको जॉब मिल गई है विद इन अ वीक 7 डेज में। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ये तो एक कह सकते हैं उनके लिए एक वरदान है जो न्यूमरोलॉजी वास्तु और क्या बोलते हैं ऑकल साइंस में जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ये वॉच वॉच थेरेपी एक वरदान है। साथ साथ में स्वर विज्ञान एक आशीर्वाद है बहुत बड़ा है हाँ जी सर, उसमें जैसे आपने भी। क्लास के बीच में थोड़ा बहुत हमें बताया है कि किस तरह से, अभी तो हमारी स्वर विज्ञान की रहती है क्लास, लेकिन आप फिर भी बीच में बताते रहते हो कि कैसे करना चाहिए क्या है, मतलब जो भी आप रेमेडी बताते हो दिए वगैरह वाली जो भी हमें अब तक बताई है, तो मतलब मैं भी उनको वही प्रेफर करती हूँ कि ये सारी चीजें करें, तो मतलब उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, और जो शायद और उपाय जो हम देते हैं उनसे इतनी जल्दी इफेक्ट उनको नहीं पड़ रहा है, या फिर वो बीच में छोड़ देते हैं एक लंबे टाइम तक करने के लिए, और ये कम से कम वो वेयर कर सकते हैं, और हर कोई वॉच तो वेयर करता ही है, तो उनको काफी फर्क हो रहा है। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया और आपका, अभी तो आपके साथ में क्लास अभी बाकी है, तो और भी सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ। और जितनी आपकी फीस है उससे ज्यादा मुझे लगता है कि हम और भी ज्यादा खर्चे करते हैं फैमिली में, कि हम मेडिसिन के लिए या कोई और नुकसान, घर में कुछ चीज खराब हो गई है उसमें, तो उससे ज्यादा हम बचा लेते हैं कि मतलब आपकी क्लास अटेंड करके हम अपना ही खुद का भी ठीक कर रहे हैं, कि जैसे थेरेपी वॉच आपने बताई है उस हिसाब से हम काम करके, तो काफी सारे खर्चे हमारे वो बच गए हैं, तो फीस तो मतलब उसके सामने कुछ भी नहीं है जितना हम वो बचा लेते हैं। राइट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ओके, ये निशाता भी सर जी। कुछ बताना चाहता है अच्छा बताओ, ये आपकी क्लास डेली अटेंड करता है, कि आपने एक हमारे घर में आपने बोला था ना कि अगर वॉच बार बार खराब हो रही है तो वो हमें नहीं बंद हो रही है तो हमें बंद घड़ी हटा देनी चाहिए, तो जी मैंने जिस दिन आपने सजेस्ट किया कि अपने सबसे पहले अपने क्लास में बताया था कि बंद घड़ी अगर हो जाती है तो आपको वो हटा देनी चाहिए, हमने बहुत बार उसको ठीक कराया, हमारा वो डोर भी खराब था पता नहीं कैसे था, बार बार हम ठीक करा रहे थे, तो जैसे हमने घड़ी उतारी वो डोर अपने आप ठीक हो गया, तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि हमारे घर का डोर ठीक हो गया। ओके ठीक है, चलिए थैंक यू सर। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अभी एक दो वॉचेस का एनालिसिस और कर लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वॉचेस का एनालिसिस करो एनालिसिस करो, तो चलो एक दो वॉचेस का और कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अभी देखिए आप लोगों के चैट बॉक्स में ना एक मैंने व्हाट्सएप का लिंक भेजा है, ठीक है। जो ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें आप लिंक भेज देना, सिर्फ उन्हीं लोगों को ये डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद अगर कल कोई आता है, कल के बाद अगर कोई आता है तो वो 25,917 रुपये ही पे करेगा। तो मैंने चैट बॉक्स में एक लिंक भेजा है, उस लिंक पे आप लोग अगर जो ज्वाइन इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट भेज दीजिए, तो फाइनली उनका ये हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये मैं QR कोड दे रहा हूँ तो आप तुरंत 5,000 भेज दो, 2,000 भेज दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप उस लिंक को ज्वाइन करिए, इंटरेस्टेड हैं उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, मैंने अभी लिंक भेजा है। तो आप जितने लोग ज्वाइन करेंगे उन्हीं लोगों को खाली ये 19,600 रुपये की फीस मिलेगी, अनदरवाइज नहीं मिलेगी। आप लोगों ने सुन भी लिया कि बाकी लोगों ने 25,000 पे किए, तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जिन्होंने 25 पे किए उनके लिए क्या है।